होली पर मिलावट खोरों पर लगाम लगाने के लिए मुरादाबाद खाद्य विभाग ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसी तर्ज पर आज एक टीम ने शहर के मझोला थाना क्षेत्र में एक मैदा बेसन फैक्ट्री पर छापा मारा, जिसमें टीम को यहां से कई अनियमितताएं मिली हैं, जिस पर टीम ने यहां से कई पदार्थों के सैंपल ले लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। सर, आज आप कहां पर आए और किस चीज की फैक्ट्री में आपने छापा मारा है? आज हमारे खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग मुरादाबाद को एक सूचना मिली थी। यहाँ लाइन पार स्थित ठक्का जो है गाँव है, वहाँ पे एक नमकीन बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ हमने अपनी टीम के साथ प्रातः करीब 10:30 बजे छापा मारा। तो यहाँ पे बेसिकली ये लोग बूंदी तैयार करते हैं और बूंदी तैयार करके पूरे जनपद मुरादाबाद में ऐसे हलवाई जो लड्डू बनाते हैं उनके यहाँ सप्लाई करते हैं। जनरली जो लड्डू बनते हैं वो प्रायः बेसन के ही बनते हैं, लेकिन यहाँ इनके यहाँ ये अनुमिता मिली कि वो बूंदी जो है लड्डू के लिए जो बूंदी होती है वो बेसन, मैदा और सूजी तीनों चीज़ों से तैयार कर रहे थे, और जो कि एक तरह से आर्थिक अपराध है और उपभोक्ता को चीट करना है। और इसी आधार पर जब भी लड्डू की सैंपलिंग होती है उनके मान के रखा जाता है कि वो बेसन का निर्मित है, जबकि जाँच में उसमें स्टार्च पाया जाता है। तो ये गंभीर अनियमितता है, हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सभी नमूने जांच के लिए शाला भेजे जा रहे हैं और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत अभी कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री ये पिछले 6 महीने से चल रही है और इसको हम लोग फेस कर रहे थे। आज हमें सूचना मिली है, उसके आधार से हमने ये कार्रवाई की है। हाँ, GST भी है इनके पास, खाद्य विभाग का पंजीकरण है, पेपर सारे इनके